शहरों को कई मायनों में अब तक के सबसे बड़े अनियोजित प्रयोगों में से एक माना जा सकता है। शहर वो जगह है जिसे हम रहने की अच्छी जगह मानते हैं। वो ऐसी जगह है जहाँ बहुत अधिक अवसर हैं और साथ ही चुनौतियाँ भी हैं। जैसे जैसे हमारे शहर फैलेंगे, प्रकृति की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या पौधे और जानवर कम हो जाएंगे या वो शहरी जीवन अपना लेंगे? और हम शहर में किस तरह के नए तौर तरीके देखेंगे? फ्रांस के ऐतिहासिक शहर अल्बी में जीव विज्ञानी फ्रेडरिक संतूल अपनी कैटफिश पर नजर बनाए हुए हैं। 1983 में मछुआरों ने इन पूर्वी यूरोपीय मछलियों को तार्न नदी में छोड़ा था। आज वो नदी की खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर हैं। ये एक आकर्षक प्रजाति है क्योंकि हमें इसके बारे में बहुत कम पता है। ऐसे कई मिथक हैं जिन पर लोग यकीन करते हैं, जैसे वो कुत्ते भी खा जाती हैं। ऐसी कई कहानियाँ हैं। ये जीव विज्ञानी जलाशयों में रहने वाली इस बड़ी मछलियों के व्यवहार में रुचि रखते हैं। हम मछलियों को टैग करने के लिए मछुआरों की मदद लेते हैं। यहाँ मछलियों का अजीब व्यवहार देखकर उन्होंने हमसे संपर्क किया। शहर का मानव निर्मित परिदृश्य प्रजातियों के बीच नए व्यवहार को विकसित करता है। कबूतरों को किसी जलीय जीव से कभी खतरा नहीं रहा। वो तो आसमान में शिकारी के प्रति सचेत रहते हैं। कबूतर नहाने और पीने के लिए पानी के पास जाते हैं। कभी कभी वो सुरक्षित जगह से आगे निकल जाते हैं और पानी की सतह पर उतर जाते हैं। कैटफिश दरअसल कबूतरों को देखते नहीं हैं, लेकिन जब वो अपने बारबेल के सहारे पानी में पक्षियों की गतिविधि महसूस करती हैं, तो हमला कर देती हैं। वैज्ञानिकों ने 2010 में पहली बार कैटफिश की शिकार करने की नई रणनीति का निरीक्षण किया। यहाँ अल्बी में कबूतर अब पानी की सतह पर सुरक्षित नहीं है। ये शहर शिकार और नए शिकारी को एक साथ ला रहा है। यहाँ के कुछ कैटफिश के लिए उनके शिकार का 40% हिस्सा अब कबूतर हैं। यहाँ अचानक पारिस्थितिक अंतःक्रिया होती है जो विकास की नई धारा शुरू करती है। कैटफिश की पक्षी पकड़ने की क्षमता में और कबूतर की भागने की क्षमता में सुधार होता है। यानी आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये नए संबंध नए विकासवादी डायनेमिक्स पैदा कर रहे हैं। डच एवोल्यूशन जीव विज्ञानी मेनो शिल्टहाउजन शहर में वन्य जीवों के अनुकूलन पर शोध करते हैं। उनका मानना है कि डार्विन का सिद्धांत शहरी हो गया है। शहरी विकास इवोल्यूशनरी बदलाव है, इसलिए शहरों में जंगली जानवरों और पौधों में आनुवंशिक परिवर्तन होता है। ये समझने की बात है कि इंसानों के इतने प्रभुत्व के साथ दूसरी प्रजातियां कैसे जीवित रह पाएंगी। प्रकृति के साथ होमो सेपियंस यानी इंसानों का सबसे अधिक हस्तक्षेप शहर में होता है। कंक्रीट और स्टील की मदद से हम नए परिदृश्य बनाते हैं और पृथ्वी की शक्ल बदल देते हैं। पहले से ही ज्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों के बजाय शहरों में रहने लगे हैं। ये परिस्थिति इवोल्यूशन यानी नई प्रजातियों के विकास को कैसे प्रभावित करती है? चयन को लेकर शहर कैसा दबाव बनाता है? नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में गर्मी की एक शाम शहर के बीच वुंडल पार्क में जीव विज्ञानी मेनो शिल्टहाउजन कीड़े पकड़ने के लिए रोशनी का जाल बुन रहे हैं। वो शहरी प्रकृति का पता लगाने के लिए सिटीजन साइंस परियोजना पर काम कर रहे हैं।
कीड़ों और कुछ छोटे पौधों के लिए आज शहरों की विविधता गहन रूप से प्रबंधित कृषि क्षेत्रों की तुलना में अधिक मालूम पड़ती है। आज कृषि भूमि का प्रबंधन जिस गहनता से किया जाता है और उत्पादन के एक एक हिस्से के लिए जिस तरह हर इंच जमीन को निचोड़ा जाता है, अब ग्रामीण इलाकों में प्रकृति के लिए कोई जगह नहीं बची है। वहीं शहरों में ये अधिक है, उन्हें हरियाली मिलती है, लोग प्रकृति और शहरी प्रकृति पर अधिक ध्यान देते हैं, इसलिए यहाँ दरअसल शहर के बाहर की तुलना में उच्च जैव विविधता वाला बहुत समृद्ध वातावरण बन रहा है। लेकिन कुल मिलाकर हम शहरों के भीतर और बाहर दोनों जगह जैव विविधता तेजी से खो रहे हैं। ये गिरावट कीड़ों के लिए विशेष रूप से गंभीर है। ज्यूरिख के पास स्विस आल्प्स में वैज्ञानिक फ्लोरियान अल्टरमार्ट ने अपना लाइट ट्रैप लगाया है। जब से इंसानों ने रात में रोशनी करना शुरू किया है, तब से हर साल अरबों निशाचर कीड़े मर रहे हैं। ऐसी प्रजातियों के लिए रोशनी की तरफ खिंचाव एक समस्या है, क्योंकि तब ये अपनी चंद दिनों के जीवन में अंडे नहीं दे पाती। प्रकाश प्रदूषण कीटों के लिए प्रमुख खतरों में से एक है। वैज्ञानिक इसे कीट प्रलय तक कहने से परहेज नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि अब हम जो गिरावट देख रहे हैं वो अभी से काफी चिंताजनक है। अध्ययन दिखाते हैं कि बायोमास और कभी कभी आरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र में भी 60 से 80 फीसदी की गिरावट दिख रही है। ये अविश्वसनीय रूप से बड़ा आंकड़ा है। बचपन में मैं ऐसे पतंगे देखा करता था। मैं इस जाल को अगर अपने माता पिता के घर के बगल में लगाता तो बहुत बड़ी संख्या में और पतंगे आकर्षित होते, लेकिन आज शायद बहुत नहीं होंगे। लेकिन क्या कीड़े हमारे शहरों की लगातार जलती रोशनी में जीवन जीने में सक्षम हो सकते हैं? फ्लोरियान अल्टरमार्ट इसका पता लगाना चाहते थे। उनके परीक्षण का विषय है स्पिंडल एर्मिन कीड़े, जिसके कैटरपिलर यूरोपियन स्पिंडल के पेड़ पर विकसित होते हैं। दरअसल ये एक संयोग था। जब मैं अपनी पीएचडी थीसिस पर काम कर रहा था, मैं हर दिन एक पार्क से गुजरता था जिसमें वे यूरोपीय स्पिंडल झाड़ियां थीं। मैंने देखा कि ये कैटरपिलर, ये पतंगे वर्षों से वहां स्थायी प्रकाश प्रदूषण वाले शहरी पार्क में रहे होंगे। फिर मैंने सोचा कि मैं उन्हें इकट्ठा कर सकता हूँ, उन्हें बढ़ने दे सकता हूँ और परीक्षण कर सकता हूँ कि वयस्क पतंगे प्रकाश से कितना आकर्षित होते हैं। 2006 में अपने प्रयोगों से अल्टरमार्ट ने शहरी इवोल्यूशन में अनुसंधान का बीड़ा उठाया। उन्होंने पतंगों को एक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया। अगली सुबह उन्होंने गिना कि उनमें से कितने लाइट ट्रैप की तरफ गए थे। नतीजे में अंतर साफ दिखा। जाल में लगभग 20% कम शहरी पतंगे फंसे थे। मैं बहुत हैरान था। ये जाना माना तथ्य है कि दूसरों की तुलना में पतंगे रोशनी से ज्यादा आकर्षित होते हैं, लेकिन ये अंतर हमेशा अलग अलग प्रजातियों में देखा गया है। एक ही प्रजाति के भीतर विविधता, ये हमने पहले नहीं देखा है। इस प्रयोग ने शहर के अनुरूप जीवन के वंशानुगत अनुकूलन का साफ सबूत दिया, शहरी इवोल्यूशन का प्रत्यक्ष प्रमाण। डच जीव विज्ञानी मेनो शिल्टहाउजन के लिए ये निष्कर्ष एक बड़ी तस्वीर की पुष्टि करते हैं। एम्स्टर्डम में उन्होंने और उनके नागरिक वैज्ञानिकों के समूह ने इस बात पर चर्चा की कि क्या हमें जल्द ही शहर में जानवरों और पौधों के अनुकूलन का अधिक मात्रा में और बेहतर प्रमाण मिल सकता है। हम देखते हैं कि इवोल्यूशनरी प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं, जो अंततः शहर में रहने वाली नई प्रजातियों की उत्पत्ति कर सकती हैं या करेंगी। मेनो शिल्टहाउजन जानना चाहते हैं कि ऐसा कब होगा। शहर में रहने वाले हर जीव में ये शहरी इवोल्यूशन दिखेगा। उनके व्यवहार में ये तेज बदलाव उनके शरीर विज्ञान में और शहरी वातावरण में अपने जीवन को अनुकूलित करने के लिए उनके हाव भाव में। लेकिन शहरी लैंडस्केप के कौन से तत्व वन्य जीवों को अनुकूलन के लिए प्रेरित करते हैं? इवोल्यूशनरी जीव विज्ञानी जेसन मुंशी साउथ न्यूयॉर्क के पार्कों में पाए जाने वाले जानवरों के विशेषज्ञ हैं। वो वर्षों से चूहे या गिलहरियों जैसे जीवों के शहर में अनुकूलन पर अध्ययन कर रहे हैं। यूरोप के आप्रवासी इंसानों के साथ चूहों ने भी नई दुनिया की यात्रा की है। आज वो शहर के मेट्रो की सुरंगों में घूमते हैं
हालांकि अधिकांश कुतरने वाले जीवों की देसी प्रजातियां शहर को पार करने में दिलचस्पी नहीं दिखाती। इस भेद ने वैज्ञानिकों में दिलचस्पी जगाई। मैं एक ट्रॉपिकल जीव विज्ञानी हुआ करता था, लेकिन फिर मैं स्नातक के बाद अपनी पहली अकादमिक नौकरी के लिए न्यूयॉर्क गया और मैंने फैसला किया कि मैं कुछ लोकल काम करना चाहूंगा जो न्यूयॉर्क शहर के लोगों और मेरे लिए दिलचस्प होगा। फिर मुझे इन छोटे स्तनधारियों के बारे में पता चला जो शहर के बीच बने इन जंगलों में रहते हैं। मैंने सोचा कि ये दिलचस्प है कि किसी ने अभी तक इन पर ध्यान नहीं दिया है। क्या वे शहर के बाहर के चूहों से आनुवंशिक रूप से अलग हो रहे हैं या वे आदत डाल रहे हैं, और इस तरह ये सब शुरू हुआ। सेंट्रल पार्क 1873 में खोला गया था। यहाँ अब भी शहर के निर्माण से बहुत पहले से यहाँ रह रहे जानवरों की प्रजातियाँ हैं। अभी हम सेंट्रल पार्क के बीच में हैं। हम पार्क के उत्तरी छोर की यात्रा करने जा रहे हैं जहाँ नॉर्थ वुड्स नाम का बहुत अच्छा जंगल है। वहाँ हम जाल डालेंगे। उम्मीद है कि सफेद पैरों वाले चूहे पकड़ में आए। जब मैंने पहली बार ये काम शुरू किया तो जिस एक चीज ने मुझे प्रेरित किया वो ये कि अगर आप न्यूयॉर्क शहर के मेट्रो का नक्शा देखेंगे तो उनमें मेट्रो लाइनें हैं, लेकिन फिर ये बड़े हरे आकार के आयताकार, अंडाकार और भी आकार के जो हैं, वे पार्क लैंड्स हैं। उन्होंने इन्हें नक्शे पर रखा ताकि आप जान सकें कि वे कहाँ हैं, लेकिन फिर ये भी है कि वे कंक्रीट सड़कों, इमारतों और 85 लाख लोगों के समुद्र में बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला की तरह हैं। तो एक तरह से अगर ये एक चूहे की तरह की प्रजाति है जो जंगल को नहीं छोड़ सकती, पड़ोस इमारतों और सड़कों को पार नहीं कर सकती और दूसरी जगह नहीं जा सकती, तो ये जैविक रूप से किसी द्वीप पर रहने जैसा है। उनके संदर्भ में देखें तो ये किसी अन्य जगह पर अपने जीन को स्थानांतरित करने और फैलाने में असमर्थ होना है, और ये शहरी जगहें जहां एक बार आवाजाही कम हो जाती है तो ये एक छोटे द्वीप समूह की तरह काम करती हैं। यही शायद वहां फंसी कई प्रजातियों के एवोल्यूशन का कारण बन रहे हैं। इवोल्यूशनरी जीव विज्ञानी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या सफेद पैरों वाले चूहे वास्तव में विभिन्न पार्कों में अलग अलग तरीकों से विकसित होते हैं। तो ये सफेद पैर वाले चूहों के लिए यकीनन एक अच्छी जगह है। वे लकड़ी के इन लट्ठों के बगल में रहना पसंद करते हैं ताकि पूरी तरह खुले में न रहना पड़े। वे इस लट्ठे के अंदर भी रहते होंगे या लकड़ी के नीचे छेद में रह सकते हैं, इसलिए ये आदर्श स्थान है। ये जंगल न्यूयॉर्क शहर से घिरा हुआ है। क्या चूहे पहले से ही इस अनोखे वातावरण के अनुकूल हो चुके हैं? यहाँ जीवित रहने के लिए उन्हें किन गुणों की आवश्यकता है? कई जाल बिछा दिए गए हैं। इसके बाद मैं एक अधिक उपनगरीय, लगभग ग्रामीण स्थलों में से एक, जहां शहरीकरण कम है और बड़े बचे रह गए जंगल हैं, वहां जाऊंगा और लगभग इतने ही जाल डालूंगा, इस आशा के साथ कि हम वहां भी चूहे पकड़ सकेंगे। जेसन मुंशी साउथ बड़े शहर में जीवन को चिन्हित करने के लिए जानवरों के आनुवंशिक कोड पर शोध करेंगे। मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे दिलचस्प ये सोचना रहा है कि हम अपने दैनिक जीवन में क्या कर रहे हैं। हम अपना कचरा कहाँ डालते हैं? हम खाने के लिए क्या चुनते हैं? हम कचरे के तौर पर क्या रखते हैं? हम कहाँ रहना चुनते हैं? हम काम पर जाना या किसी रेस्तरां या किसी चीज के लिए बाहर जाना कैसे चुनते हैं? हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं कि ये सभी चीजें जो हम कर रहे हैं वो अन्य प्रजातियों को किस तरह प्रभावित कर रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानवर ही प्राकृतिक दुनिया में मानवीय हस्तक्षेप के अनुकूल ढलते हैं, पौधे भी ऐसा करते हैं। दक्षिणी फ्रांस में जीव विज्ञानी ओलिविए चेप्टू पीले फूल वाले क्रेपिस सैंक्टा पर अध्ययन कर रहे हैं। क्रेपिस सैंक्टा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एक बहुत ही सामान्य प्रजाति है, एक प्रकार का भूमध्य सिंह पर्णी यानी उसी परिवार का। शोध के विषय के रूप में इसका लाभ ये है कि ये दो प्रकार के बीज पैदा करता है, बड़े वाले और छोटे वाले। ये जंगली फूल दोनों पैदा करते हैं। हल्के बीज उड़ते हुए इधर उधर फैल जाते हैं और भारी बीज बस जमीन पर गिर जाते हैं। मुझे शहरी परिवेश में अनुकूलन की प्रक्रिया में दिलचस्पी है, और विशेष रूप से तब जब कोई प्रजाति पहली बार शहर आती है। हाल ही में मोंगपेलिये के कुछ इलाके शहर में तब्दील हुए हैं। ग्रामीण और शहरी आबादी की तुलना में मैं बीज से संबंधित लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। चेप्टू के मन में शहर के आम से पौधों के अनुकूलन पर अध्ययन का विचार संयोग से आया। जब वो विदेश से लौटे तो उन्होंने देखा कि कई फूल शहर में यूं ही उग रहे हैं।
एक बर्फीले तूफान के दौरान मैंने मॉन्ट्रियल छोड़ दिया और पेरिस की फ्लाइट ले ली। जब मैंने मोंगपेलिए शहर की बस ली, उस दिन बिल्कुल साफ नीले आसमान में धूप खिली थी। फिर मैंने देखा कि उन छोटे शहरी इलाकों में हर जगह क्रेपिस सेंक्टा फूल थे। तभी मेरे अंदर से आवाज आई कि यहाँ कुछ तो है शोध के लिए, क्योंकि क्रेपिस सेंक्टा ग्रामीण क्षेत्रों में पनपता है, न कि शहर के कंक्रीट वाले रेगिस्तान में। शहरों में, विशेष रूप से यूरोपीय शहरों में, कंक्रीट ही प्रमुख खनिज होता है। कंक्रीट पौधों पर एक शक्तिशाली न पनपने देने वाला बल लगाता है जो उन्हें सिकुड़ने पर मजबूर करता है। कभी कभी पौधों के लिए शहर की बाधाएं अत्यधिक हो सकती हैं। इवोल्यूशन किस तरह काम करेगा? मेरी नज़र इस पर है कि ये शहरी विखंडन इस प्रजाति के फैलाव के लक्षणों को कैसे संशोधित करेगा। मुझे लगता है कि अधिक मात्रा में बड़े बीज पैदा करने वाले पौधे खुली जगहों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में प्रजनन में अधिक सफल होंगे। असफाल्ट पर भारी बीजों के बहने की संभावना कम होती है, और इस जीव विज्ञानी ने अपने शोध में पाया कि शहर में अधिकतर पौधे भारी बीज ही पैदा करते हैं और इस प्रकार जीवित रहते हैं। ये अंतर 15% का है, लेकिन जो सबसे कमाल बात है वो है इस अनुकूलन की गति। ये इवोल्यूशन लगभग 15 सालों में हुआ है, जो कि बहुत कम समय है। ये पौधों में बीज के लक्षणों के इस तरह के तेजी से विकास का पहला उदाहरण था। ये शहरी पर्यावरण की अत्यधिक खंडित संरचना की वजह से है। इस दर से होने वाले आनुवंशिक परिवर्तनों को विज्ञान ने शुरू से असंभव माना है, बिल्कुल असंभव। मुझे लगता है कि जिस तेजी से ये परिवर्तन हो रहे हैं, शायद डार्विन भी चकित हो जाते। उन्होंने प्रकृति की शक्ति को कम करके आंका था। उन्होंने कहा था कि आप इनमें से किसी भी बदलाव को होते हुए कभी नहीं देख सकते, आप उन पर गौर नहीं कर सकते, आप उन्हें केवल प्रकृति में दिखने वाले जीवाश्मों से, पैटर्नों से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि इवोल्यूशन को वास्तविक समय में होते हुए देखना बहुत धीमी प्रक्रिया है, लेकिन अब हम इसे विशेष रूप से शहरों में अपनी आँखों के सामने सड़कों पर जहां हम रहते हैं हमारे आसपास होते हुए देख रहे हैं। लेकिन अगर मानव निर्मित प्रदूषक जीवों के बायोकेमिस्ट्री को काफी हद तक खराब कर दें तो क्या होगा? 1970 के दशक में बोस्टन के पास न्यू बेडफोर्ड हार्बर का पानी पीसीबी से गंभीर रूप से प्रदूषित हो गया था। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA प्रदूषण का वास्तविक स्तर जानना चाहती थी। मूल रूप से ध्यान इस बात का रखना था कि जहरीले रसायनों के कारण उस हार्बर में रहने वाली मछलियों पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके बजाय हम यहाँ ये देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन मछलियों में ऐसा क्या है जो यहाँ जीवित रह सकती हैं। इस तरह वो हमारे अध्ययन के लिए कि जानवर किस तरह अपने को मानव निर्मित जहरीले प्रदूषकों के अनुकूल ढाल लेते हैं, प्राकृतिक परीक्षण बन गए। शानदार, हम इसी की तलाश में थे। चलो उन्हें एक जाल में डालते हैं और लैब ले चलते हैं। डायन नेची रोड आइलैंड के नरिंजन सेट में EPA की लैब प्रमुख हैं। वैज्ञानिक अपनी प्रजनन प्रयोगशाला में वो प्रणाली पता लगाना चाहते हैं जो न्यू बेडफोर्ड हार्बर के PCB प्रदूषित पानी में रह रहे किलीफिश प्रजाति की इन मछलियों को जीवित रहने में मदद करती है। देखते हैं कि क्या उन्होंने अंडे दिए हैं। वो न्यू बेडफोर्ड हार्बर की मछलियों के अंडों की तुलना किसी साफ सुथरी जगह वाली मछली के साथ करने जा रहे हैं। ठीक है, एक परीक्षण करते हैं और देखते हैं कि रसायनों के संपर्क में आने पर वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ये किलीफिश प्रजाति पूरे उत्तरी अमेरिकी अटलांटिक तट पर पाई जाती है।
किलीफिश दरअसल सदियों से जीव विज्ञान की पसंदीदा रही हैं। ये काफी आम हैं और एक से दूसरी जगह नहीं जाती, इसलिए ये अपने स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल होती हैं और ये विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार की होती हैं। यानी आनुवंशिक रूप से भिन्न ये अपने स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, तो ये शोध के लिए बहुत उपयुक्त हैं। शोधकर्ताओं को ये समझने के लिए अंडे में मछली के भ्रूण के विकास का निरीक्षण करने की जरूरत है कि पर्यावरणीय जहर किस चरण में जानवरों के जैव रसायन को बाधित करता है या नहीं करता है। इसलिए भ्रूण विकसित होने की दर देखेंगे और कुछ ऐसे लक्षणों को जिन पर पीसीबी का असर पड़ सकता है, जैसे हृदय का उचित विकास, संचार प्रणाली का समुचित विकास और शरीर का उचित आकार। यही मछलियाँ क्यों घातक पर्यावरणीय जहरीले पदार्थों से लड़ने में सक्षम हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जिनके कारण विभिन्न प्रजातियाँ शहर के अनुकूल हो जाती हैं? क्या दुनिया भर के शहरों में समानांतर विकास हो रहा है? टोरंटो मिसिसोगा विश्वविद्यालय में इवोल्यूशनरी जीव विज्ञानी मार्क जॉनसन इन सवालों पर काम करते हैं। कई मायनों में आप शहरों को अब तक के सबसे बड़े अनियोजित प्रयोगों में से एक मान सकते हैं। दिक्कत यह है कि आप वैश्विक स्तर पर शहरी वातावरण में अनुकूलन का अध्ययन बहुत कम जीवों पर कर सकते हैं। सफेद दूब उन बहुत कम जीवों में से एक है। ऐसे में ये इस बात को समझने का नमूना बन जाता है कि क्या सभी जीव जंतु सामान्य रूप से दुनिया भर के शहरों से जुड़े पर्यावरणीय बदलावों के अनुकूल हो सकते हैं। इस अध्ययन में दुनिया भर के शोधकर्ता साथ काम कर रहे हैं। इवोल्यूशनरी जीव विज्ञानी स्टेफान ग्राइनर और उनकी टीम बर्लिन में सफेद दूब इकट्ठा कर रहे हैं। शहरों में पौधों को अलग वातावरण का सामना करना पड़ता है। उपनगरों और ग्रामीण इलाकों की तुलना में यहाँ तापमान अधिक होता है। ये उम्मीद की जा सकती है कि जैसे जैसे इंसान नई पर्यावरणीय परिस्थितियों का निर्माण करेगा, जीवन अपने को इसके अनुरूप ढाल लेगा। वैश्विक स्तर पर इस बात को साबित करने का वैज्ञानिक लाभ होगा और ये महत्वपूर्ण है, ये करना होगा, और इसीलिए हम अपने खाली समय में इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। जैसे ही वो ग्रामीण इलाकों से बर्लिन सिटी सेंटर की ओर बढ़ते हैं, ग्राइनर और उनकी टीम 35 जगहों पर नमूने इकट्ठे करती है। इससे उन्हें अन्य वैश्विक शहरों की तुलना में डेटा की पर्याप्त विस्तृत श्रृंखला मिलती है। टीवी टावर के नीचे उन्होंने अपने अंतिम नमूने इकट्ठे किए। बस हो गया। इस समय हम 168 शहरों में 250 से अधिक सहयोगियों के साथ एक ही परियोजना पर काम कर रहे हैं। इवोल्यूशनरी जीव विज्ञान में इस पैमाने पर होने वाली परियोजना कभी नहीं रही है, तो इवोल्यूशनरी जीव विज्ञान में ये अब तक की सबसे बड़ी सहयोगात्मक परियोजना है। तो क्या दूब पूरी दुनिया में एक ही तरह विकसित हो रही है? वैश्विक शहरी दूब के रूप में सूचना के इस विशाल कोष से शोधकर्ता जवाब ढूंढने की उम्मीद करते हैं। उत्तरी न्यूयॉर्क के एक शोध संस्थान में आनुवंशिकी विद जेसन मुंशी साउथ सफेद पैर वाले चूहों के डीएनए की तुलना शहर वाले चूहों के साथ करने के लिए उसे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। तो ये जाल हमने खोला जिसमें कुछ पकड़ा नहीं जा सका। ओह, ये टोड है। मैंने सोचा था कि चूहा है। बढ़िया, दूसरे जानवरों को भी एक दिन मिल गया। ये वाकई हैरान करने वाला था कि लगभग हर पार्क एक दूसरे से अलग था, इस हद तक कि एक पार्क से लिए गए चूहे के जीनोम के एक छोटे से हिस्से को लैब में देखकर आप बता सकते हैं कि ये कहां से आया है। समय के साथ साथ अलग थलग पड़ने से वे कितने बेतरतीब ढंग से बदल गए थे, और यहीं से हमने अपने मौजूदा अध्ययन शुरू किए। 20,000 से अधिक जीनों के साथ ये देखा जा रहा था कि न्यूयॉर्क शहर के अंदर रहते हुए इनके जीन और कार्यशैली में अनुकूलन संबंधी क्या बदलाव आते हैं। ओह, ये रहा सफेद पैर वाला चूहा। नए अध्ययन के लिए जेसन मुंशी साउथ और उनकी टीम ने पहले से ही 100 से अधिक चूहों को पकड़कर उनकी आनुवंशिक रचनाओं का विश्लेषण किया है। वो अपने नमूने
यथासंभव बहुत आराम से लेने की कोशिश करते हैं ताकि जानवरों को चोट न पहुंचे। हम आनुवंशिक नमूना लेते हैं। इस मामले में हम इस छोटे से उपकरण का उपयोग करेंगे। ये पेपर पंच की तरह है लेकिन टिश्यू के लिए है। हम इसे आनुवंशिक विश्लेषण के लिए इकट्ठा करते हैं। हम उस टिश्यू के नमूने पर जगह का नाम लिख देते हैं क्योंकि ये समझने के लिए जरूरी है कि अधिक या कम शहरी आबादी में रहने पर वे कैसे अलग होते हैं। अब वो बहुत स्थिर है। ये नर है। ये जवान नर है। क्यों न ईयर पंच लेकर इसे दूसरी तरफ भी शुरू किया जाए। बाल विस्तृत आनुवंशिक विश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए शोधकर्ता कान से टिश्यू का नमूना लेते हैं। नमूने और कुछ माप इकट्ठा करने के बाद वैज्ञानिकों ने चूहों को छोड़ दिया। आनुवंशिक विश्लेषण चूहों के इवोल्यूशन का पूरा सफर दिखा सकते हैं। वो जानवरों के बीच फैल रहे विभिन्न प्रकार के शारीरिक और व्यावहारिक परिवर्तन दिखाते हैं। हर पार्क के पर्यावरण के हिसाब से वो सभी अलग अलग हैं। हम अपने ग्राफिक्स बहुत अच्छी तरह तैयार कर रहे हैं, तो आज हम कालडर सेंटर वाले चूहों को देखेंगे। ये जगह शहरीकृत न्यूयॉर्क और इन सभी जगहों के ठीक बीच में है, इसलिए सेंट्रल पार्क सबसे अलग तरह की आबादी वाला क्षेत्र है। हाँ, ये तर्क संगत लगता है। हाँ, ये तर्क संगत है। काफी शहरी और शायद सबसे अलग जगह, मतलब सेंट्रल पार्क से लिए गए चूहों के कुछ जीन ग्रामीण इलाकों के किसी बड़े पार्क से लिए गए चूहों से अलग होंगे। सेंट्रल पार्क की खाद्य आपूर्ति, जिनमें से अधिकांश मानव खाद्य अपशिष्ट होंगे, उन्होंने उनमें आनुवंशिक प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया हो सकता है। अब तक के अध्ययन से साबित होता है कि शहर में बदल रहे जीनों का एक सेट मेटाबॉलिज्म से संबंधित है, मतलब ये सफेद पैर वाले चूहे अलग अलग चीजें खा रहे हैं और फिर उन्हें इन चीजों को पचाना और पोषक तत्वों को आत्मसात करना होता है। हम इसका विकास जानते हैं क्योंकि डीएनए अनुक्रमों में अंतर्निहित परिवर्तन ही विकास है। सेंट्रल पार्क के चूहों का मेटाबॉलिज्म फास्ट फूड को बेहतर ढंग से पचाने के लिए आनुवंशिक रूप से बदल गया है। ये कई व्यापक प्रश्न उठाता है, जैसे कि हम एक प्रजाति के रूप में क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए पृथ्वी का प्राकृतिक परिवेश बदल रहे हैं। हम अन्य प्रजातियों का भविष्य कैसे बदल रहे हैं। हम न सिर्फ उन्हें प्रभावित कर रहे हैं बल्कि हम उनके भविष्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। नरेंजन सेट में डायन नैची और उनकी टीम इस बात की जांच कर रही है कि जहरीले पीसीबी के संपर्क में आने वाले विभिन्न मछलियों के भ्रूण कैसे विकसित हुए हैं। हाय, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। इस अध्ययन में स्कॉर्टन क्रीक और पीसीबी 126 से दूषित न्यू बेडफोर्ड हार्बर की तुलना हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीसीबी का विकास पर काफी अलग प्रभाव पड़ा है। इन बेहद जहरीले रसायनों से यही उम्मीद थी। हाँ, और मेरे अनुभव में इतनी विसंगतियाँ यकीनन घातक होती हैं। हो ही नहीं सकता कि कोई जानवर अंडे से बाहर आ सके। बाहर आकर जीना तो दूर की बात है। अगर हृदय काम ना कर रहा हो और खून पूरे शरीर में ना पहुंच रहा हो तो अंडे से निकलने के बाद जीने का तो सवाल ही नहीं। चलिए अब उस बायोकेमिकल एंड पॉइंट पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि वो बायोकेमिकल स्तर पर क्या प्रक्रिया देते हैं। एक खास कंट्रास्ट एजेंट के उपयोग से वैज्ञानिक अंडे से बाहर नहीं निकली मछलियों में एंजाइम गतिविधि का पता लगा सकते हैं। तो आप मूत्राशय में सबस्ट्रेट फ्लोरोसेंट देख सकते हैं, जो दर्शाता है कि ये एंजाइम प्रणाली काम कर रही है और हमें मूत्राशय में अपेक्षित मेटाबोलाइट्स मिल रहे हैं। ये एक जीवित जीव में एंजाइम गतिविधि का बहुत ही नाटकीय प्रदर्शन है। मछली के भ्रूण में सक्रिय एंजाइम बताते हैं कि जीव कैसे विष को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में तबाह हो जाता है। फिर टीम देखती है कि न्यू बेडफोर्ड हार्बर से मछली की संतान कैसे विकसित हुई है।
तो ये नए बेडफोर्ड हार्बर की मछलियां हैं, जिसमें पीसीबी उसी मात्रा में मिला हुआ था जिसे हम अभी देख रहे थे। जैसा कि आप इस भ्रूण के साथ देख सकते हैं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दिल अब भी सामान्य रूप से धड़क रहा है और स्वस्थ है, और ये वास्तव में अच्छी तरह विकसित हुआ है। ये अंडे से निकलने के लिए तैयार भ्रूण की तरह दिखता है। कुछ तो पहले ही अंडा तोड़कर बाहर आ गए हैं। सबसे घातक पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों में से एक के जहरीले प्रभाव से इन मछलियों को मर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि जीवन ने एक रास्ता खोज लिया है। इस तरह के रसायनों के बारे में एक बात तय है कि इंसानों सहित सभी रीढ़ वाले जंतुओं में ये एक निश्चित एंजाइम पाथवे चालू करता है, इसलिए सामान्य रूप से प्रतिक्रियाशील व्यक्ति या इस मामले में मछली को पीसीबी के संपर्क में आने पर एंजाइम प्रणाली की शुरुआत हो जानी चाहिए। बढ़े हुए कॉन्ट्रास्ट वाली तस्वीर से पता चलता है कि सामान्य रूप से विष के प्रति प्रतिक्रिया करने वाले एंजाइम शांत हैं। इस केस में मुझे चमकता हुआ हिस्सा बहुत कम दिखाई देता है। ये बहुत साफ पता चलने वाला अंतर है जो बताता है कि न्यू बेडफोर्ड मछली की एंजाइम प्रणाली बदल गई है। न्यू बेडफोर्ड हार्बर की किलीफिश ने अपना मेटाबॉलिज्म बदल लिया है। जहर अब उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन किस आनुवांशिक बदलाव ने मछलियों के विष प्रतिरोध को जन्म दिया है? वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के आनुवंशिकी विद मार्क हान यही पता लगाना चाहते हैं। क्या ये प्रकृति के मानव हस्तक्षेप के विरोध को समझने की कुंजी हो सकती है? प्रयोगशाला में वो क्रिस्पर कैस पद्धति इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्रायोगिक मछली की आनुवंशिकी संशोधित करने का अपनी तरह का बेहद ताकतवर तरीका है। क्रिस्पर कैस पद्धति से कुछ जीनों की भूमिकाओं की और दरअसल प्रोटीन में एकल अमीनो एसिड की भूमिकाओं की भी जांच की जा सकती है। प्रतिरोधी किलीफिश के बारे में उनकी अवधारणाओं के परीक्षण के लिए मार्क खान और उनकी टीम ने जेब्रा फिश पर प्रयोग किया। मैं पता लगाना चाहता हूं कि उन जीनों में आखिर किस हद तक परिवर्तन होते हैं। मैं चाहता हूं कि प्रतिरोध के लिए जिम्मेदार विशिष्ट आणविक परिवर्तनों पर विशेष ध्यान दूं। इसे प्रयोगशाला में फिर से बनाने में सक्षम हो सकूं, जिससे साबित हो सके कि ये प्रतिरोध का तंत्र है। वो प्रतिरोधी किलीफिश से लिए गए डीएनए के अंशों को जेब्रा फिश के भ्रूण में मिला रहे हैं। हे मार्क, कैसे हो? अच्छा हूँ। ये कौन से हैं? मैं AIP एक्सॉन 2 इंजेक्ट कर रहा हूँ। यदि इन अंडों से निकलने वाली जेब्रा फिश समान प्रतिरोध दर्शाती है तो उन्हें वो जीन मिल जाएंगे। यहाँ हम AIP नामक जीन की कार्यशैली का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम इस प्रजाति में से इस जीन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये अध्ययन कर सकें कि इस जीन का काम क्या है और क्या ये पीसीबी के प्रतिरोध में कोई बदलाव लाएगा। इन प्रयोगों के साथ विज्ञान सृजन के स्रोत के रहस्य सुलझाने की दिशा में गहराई से उतर रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये शोध जीवन की सबसे चरम परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता का रहस्य पता कर सकता है। ये ज्ञान अन्य प्राणियों को भी इस तेजी से बदलती दुनिया में अनुकूलन और जीवित रहने में मदद कर सकता है। मुझे लगता है कि हम किलीफिश सिस्टम से बाहर अन्य मछलियों बल्कि अन्य रीढ़ वाले जीवों से जितना बाहर निकलकर देखेंगे, इस प्रणाली को उतना अधिक समझेंगे। इससे प्रदूषकों के विश्व विज्ञान की व्यापक समझ होगी, प्राकृतिक दुनिया पर प्रभाव की समझ होगी और पता चलेगा कि किस प्रजाति को सबसे ज्यादा खतरा है। पोट्सडम में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में रिसर्चर बर्लिन से आई दूब के नमूने प्रोसेस कर रहे हैं। लक्ष्य है साइनाइड खोजना। साइनाइड पैदा करने वाले दूब के पौधे शिकारियों से खूब सुरक्षित रहते हैं, लेकिन ठंड कम सहन कर पाते हैं। शहर के बीच के इलाके गर्म रहते हैं, तो दूब यहाँ खूब मिल सकती है। ये एक क्वालिटी संबंधी परीक्षा है। हम इसे साइनाइड पैदा करने वाले एक खास जीन का अप्रत्यक्ष रूप से पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। वो दोनों ग्रामीण हैं? हाँ, वो दोनों ग्रामीण हैं। ग्राइनर और उनकी टीम अपने नतीजे और दूब के अन्य नमूने मार्क जॉनसन को उनकी टोरंटो लैब में भेजते हैं।
हाय गैंग, कैसा चल रहा है? बढ़िया है। कल का एक्सट्रैक्शन कैसा रहा? बढ़िया। तो मुझे याद दिलाना कि ये बर्लिन और ब्यूनस आयर्स है। टीम जीन अनुक्रमण के लिए दूब तैयार करती है, लेकिन जर्मनी में टीम द्वारा ली गई साइनाइड वैल्यू में ये दिखना चाहिए कि क्या दूब पहले से ही शहरी परिवेश के अनुकूल हो गई है। ओके, क्या हमें बर्लिन का डेटा मिल गया? हाँ, मिल गया। यहाँ इस स्क्रीन पर है। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा है। जेम्स, क्या तुमने बर्लिन वाला डेटा देखा? उससे हम समझ पाएंगे कि बर्लिन शहर से उपनगरों और फिर ग्रामीण क्षेत्रों तक ये पर्यावरण कैसे बदल रहा है। हाँ, देख लिया। तो बर्लिन उन शहरों में से है जहाँ हम सफेद दूब को शहरी और ग्रामीण परिवेश के अनुकूल होते देखते हैं। बिल्कुल। बढ़िया, तो अब 33% शहरों में सफेद दूब का अनुकूलन हो रहा है। शायद अब 33.2% शहरों में, लेकिन हाँ, लगभग 33%। तो फिर मुझे लगता है कि अब हमें ये पता लगाना चाहिए कि इस अनुकूलन के कारक या पर्यावरणीय कारक क्या हैं, वो बढ़िया होगा। बर्लिन में मुख्य शहर के पौधों में साइनाइड के उत्पादन की संभावना अधिक है, जैसे कि अब तक सर्वे किए गए 1/3 शहरों में। क्या ये समानांतर विकास का संकेत है? कुछ शुरुआती नतीजे हैरान करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सफेद दूब की ये प्रजाति खुद को उस शहर के हिसाब से अनुकूलित कर लेती है। शहर की गर्मी में साइनाइड पैदा करने वाले दूब के बचने की संभावना बेहतर होती है, लेकिन शहर में जीवित रहने के लिए, जिसे वैज्ञानिक हीट आइलैंड्स कहते हैं, सभी जीवों को उच्च तापमान के प्रति अनुकूल होना होगा। शहरों में इंसान और हमारी मशीनें बहुत अधिक गर्मी पैदा करती हैं, और बड़े शहरों में गर्म हवा के गुब्बारे चलते हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी वाले शहर के केंद्र शहर के बाहरी इलाके की तुलना में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म होते हैं। मेनो शिल्टहाउजेन का मानना है कि ये व्हाइट लिप्ड घोंघे के इवोल्यूशन को भी प्रभावित करता है। वो भूरे से हल्के पीले रंग तक कई रंगों के होते हैं। एक ही जीन इनका रंग निर्धारित करता है। उनका जीन उनकी पीठ पर होता है। खोल का रंग कुछ हद तक घोंघे के आंतरिक तापमान को दर्शाता है। अंदर के तापमान में एक सी परिस्थिति में 2 डिग्री का अंतर हो सकता है, और यही उनके जीवन या मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। एक गर्म दिन जब कुछ हफ्ते पहले एम्स्टर्डम में तापमान 40 डिग्री था, हो सकता है कि इनमें से कुछ पीले घोंघे बच गए, लेकिन कई भूरे घोंघे मर गए क्योंकि वो बहुत गर्म हो गए और वो मर गए। लेकिन क्या आंकड़े इस परिकल्पना की पुष्टि करेंगे? इसलिए हम कुछ और डेटा इकट्ठा करेंगे। चलिए चलते हैं। पूरे यूरोप से ज्यादा घोंघे इकट्ठा करने और उनका मूल्यांकन करने में स्वयंसेवक मेनो शिल्टहाउजेन की मदद करते हैं। पता है, इवोल्यूशन के अध्ययन के लिए आपको किसी खास जगह जाने या जीवाश्म विज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। ये हर जगह हर समय हो रहा है। ये एक सतत बहुत ही सामान्य जैविक प्रक्रिया है। इस समूह को कुछ ही घोंघे मिलते हैं, लेकिन घोंघे के सिर्फ खोल से भी डेटा मिल सकता है। उनकी फोटो ली जाती है और ऐप की मदद से डेटाबेस में जोड़ दी जाती है, जिसे कोई भी अपने फोन में इंस्टॉल कर सकता है। तो हम शहरी जानवरों और पौधों का शहरी हीट आइलैंड्स में अनुकूलन देख रहे हैं, जो निश्चित रूप से वैश्विक जलवायु परिवर्तन की तुलना में अधिक तेजी से हो रहा है। इसलिए हम शायद कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन से क्या होने वाला है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तापमान के बीच हमारे शहर प्रकृति के भविष्य के परिवर्तनों का रास्ता बन गए हैं। नेवादा में हर अक्टूबर लाखों की संख्या में मोनार्क तितलियां इकट्ठा होती हैं। वो पूरे उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की यात्रा करके दक्षिण में सर्दियां बिताने आती हैं। लेकिन हमारे बढ़ते शहरों ने उनकी यात्रा पहले से कहीं खतरनाक बना दी है। लिंडसी माइल्स टोरंटो में तितलियों पर अध्ययन करती हैं। मोनार्क तितलियां सच में अद्भुत कीट हैं। दुर्भाग्य से अब उनकी संख्या कम हो रही है। अमेरिका में उनकी संख्या में
80% तक की गिरावट देखी गई है। टोरंटो के इस औद्योगिक क्षेत्र में मोनार्क तितलियां उड़ने से पहले आराम करती हैं। वो संभोग और प्रजनन भी करती हैं। ये वाकई एक बड़ा कैटरपिलर है और ये एक बेबी मोनार्क है। ये शायद एक दो दिनों में अपनी क्रिसलिस में जाकर मोनार्क तितली बन जाएगा। जहां अन्य प्रजातियों में अन्य खाद्य स्रोतों पर स्विच करने की क्षमता होती है, वहीं मोनार्क तितलियां एक ही पौधे पर निर्भर रहती हैं। मुझे एक मिली। चलो देखते हैं। वाह, तुम्हें तो मोनार्क मिल गई। तितलियां अपने अंडे मिल्क वीड पर देती हैं। उनके कैटरपिलर विशेष रूप से इस पौधे को खाते हैं। जिस जमीन पर मिल्क वीड उग सकता है वो कई शहरों से गायब होती जा रही है। दुर्भाग्य से इनमें से बहुत सारे शहर इन बाधाओं की वजह बन रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो संसाधन नहीं हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। ये ऐसा हुआ कि अगर आप गाड़ी से कहीं दूर जा रहे हैं, आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है और आपका ईंधन खत्म हो जाता है, तो आप फंस गए। इन तितलियों के साथ यही हो रहा है। सभी प्रजातियां अनुकूलन नहीं कर सकती हैं। जैसे जैसे हमारे शहरों का विस्तार हो रहा है, वन्य जीवों का समायोजन आवश्यक हो गया है। भविष्य में हमारे शहरों का डिजाइन पृथ्वी पर जीवन के लिए निर्णायक साबित होगा। जैव विविधता हमारे खाने वाले भोजन से लेकर सांस लेने वाली हवा तक में मददगार होती है। तो अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे तो इंसानों के साथ साथ कई अन्य प्रजातियों की आबादी खतरे में आ जाएगी। शहरी इवोल्यूशन हमें डार्विनियन तरीके से हरित शहर बनाने में मदद कर सकता है। जैसे जैसे इंसान अधिक शहरी हो रहे हैं, हमें कुछ अन्य प्रजातियों को शहरों में रखने की क्षमता है जो अपने को शहरों के अनुकूल ढाल सकें, लेकिन फिर हम दूसरे परिवेशों पर जरा कम दबाव डालें ताकि उन प्रजातियों को फलने फूलने का मौका मिले जो शहर में नहीं रह सकती। हमें आने वाले वक्त में इस बात का और एहसास होने वाला है कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं। दरअसल वही हमें जीवित रहने में मदद करेगा।